हाय गाइस, मेरा नाम है पूजा। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, अगर आपको भी मेरी तरह इंडियन ट्रेडिशनल खाने का शौक़ है तो यह वीडियो खास आपके लिए है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आज मैं शेयर कर रही हूँ बाटी बनाने की रेसिपी बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाटी बनाने के लिए मैंने लिया है 3 कटोरी आटा। इसमें कुछ बेसिक मसाले ऐड किए हैं, जैसे हल्दी पाउडर, जीरा, आधा चम्मच अजवाइन, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और चुटकी भर सोडा। इन सभी चीज़ों को डालकर अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। फिर इसमें 2 चम्मच तेल या घी डालकर अच्छी तरीके से मसल कर मिक्स करना है। जिस तरीके से मैंने आटे में तेल को मिक्स किया है, इसी तरह से आप भी अपने हाथों के बीच रख कर इसको मसल कर मिक्स करेंगे तो ये काफ़ी अच्छे से मोयन बाटियों में लग जाएगा। फिर हम पानी डालकर हमारा बाटी का डो बनाकर रेडी कर लेंगे। पानी आप थोड़ा थोड़ा करके ही मिलाएं। डो जो है वो गीला नहीं होना चाहिए। बाटी का डो थोड़ा सा कड़क होता है तो उस बात का आप ध्यान रखें। हल्का सा हाथों में ऑयल लगाकर इस आटे को अच्छी तरीके से मसल लेंगे। अब हम सारी बाटियों को बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये मैंने सारी बाटियाँ बना ली हैं। ओवन को पहले से ही मैंने प्रीहीट कर लिया था, तो प्रीहीटेड ओवन में हमने ये सारी जितनी भी बाटियाँ हैं इनको अरेंज कर दिया है। आप ओवन की जगह अगर चाहें तो कढ़ाई में भी इन्हें बेक कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बॉयल भी कर सकते हैं। तो मैंने ओवन में रख दिया है, सेटिंग आप देख लीजिए। तो दोनों एलिमेंट्स को ऑन रखना है और टाइम आप जो है वो 35 मिनट का सिलेक्ट करें। वैसे 30 मिनट में भी ये बाटियां बन जाएंगी, तो 30 से 35 मिनट के बीच का जो टाइम है वो आप सेट करें। अब देखिए, यहाँ पे हमारी सारी बाटियां बनके तैयार हो चुकी हैं। आपको देखने से आइडिया लग रहा होगा, ये सारी ही बाटियां बहुत अच्छे से सिक चुकी हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और अंदर से बिल्कुल भी कच्ची नहीं है। ये देखिए, मैं आपको तोड़कर भी दिखा रही हूँ। तो ये बाटी काफ़ी ज़्यादा गर्म है और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया है घी और घी में डिप करके मैं आपको बाटी दिखा रही हूँ। आप चाहें तो घी में डिप करके भी बाटियों को खा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इनको कढ़ाई में ऑयल रखकर उसमें थोड़ा सा फ्राई करके भी बाटियों को सर्व कर सकते हैं। मेरे घर में ज़्यादातर घी में डिप की हुई बाटियां ही सभी लोग पसंद करते हैं, तो मैंने इन बाटियों को घी में डिप कर लिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारी जो बाटियां हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रही हैं। खाने में भी इनका जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। इस तरीके से आप मेरी रेसिपी से इन बाटियों को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएंगी और आपके फैमिली मेम्बर्स तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। ये देखिए, ये सारी बाटियाँ बना के मैंने रेडी कर ली हैं। सारी बाटियों में घी लगा लिया है। बाटियों को आप चाहें तो दाल के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो मेरी तरह बैंगन का भरता भी बाटियों के साथ काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो उसे भी ट्राई कर सकते हैं। बैंगन का जो भरता है वो भी मैंने OTG में ही बनाया है। अगर आप चाहें तो मैं उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपको टेस्ट करवा के दिखाती हूँ अपने बेबी को, उसका रिएक्शन देखिएगा आप। वाओ मम्मा, बहुत यम्मी है। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा, पर बीबी का तो सारे ये चला जाए। तो देखा आपने, मेरे बच्चे को तो ये बाटी बहुत पसंद आई। आप अपने बच्चों को कब बनाकर खिला रहे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को हिट करके आप मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।